विधानसभा कालका से आजाद उम्मीदवार चुनाव लड़ेगी लतिका शर्मा। कालका हलके में चल रहा है सर्वे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कालका पूर्व विधायक लतिका शर्मा कालका से आजाद उम्मीदवार के तौर पर विधानसभा कालका से चुनाव लड़ेगी या नहीं, फिलहाल ये पता नहीं है। लेकिन विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पूरे कालका हलके में कालका पूर्व विधायक लतिका शर्मा के लिए एक सर्वे जरूर चल रहा है कि पूर्व विधायक को कालका हलके से चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं, वो भी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर। जिसके बाद कालका पूर्व विधायक लतिका शर्मा ये निर्णय लेगी कि कालका हलके से चुनाव लड़ा जाए या नहीं। ये सर्वे कब तक पूरा होगा कहा नहीं जा सकता। फिलहाल कालका हलके के लोगों से राय मांगी जा रही है कि आज़ाद उम्मीदवार चुनाव में उनकी कैसी भूमिका रहेगी। वहीं सूत्र बता रहे हैं कि सर्वे के अनुसार सोच विचार के बाद हलके की जनता अपना निर्णय जरूर दें ताकि लोगों के रुझान का पता चल सके कि क्या लतिका शर्मा को आज़ाद इलेक्शन लड़ना चाहिए। सर्वे में लोगों से राय मांगी जा रही है। वैसे गत दिवस कालका पूर्व विधायक लतिका शर्मा ने अमरावती एनक्लेव कॉलोनी में भाजपा कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें वह काफ़ी इमोशनल भी हो गई थी और कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक लतिका शर्मा का हौसला बढ़ाते हुए लतिका शर्मा जिंदाबाद के नारे भी लगाए थे। उन्होंने कालका हलके के भाजपा कार्यकर्ताओं और जनता को सर्वे के अनुसार कहा है कि आप सभी को पता चल गया होगा कि लतिका शर्मा मैडम को भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिला है और जनता सोच समझकर अपना निर्णय जरूर दें कि कालका हलके से इलेक्शन लड़ना चाहिए या नहीं। जबकि सर्वे के अनुसार ये भी लिखा गया है कि क्या पूर्व विधायक ने कालका हलके को समय दिया है या नहीं। इसके अलावा क्या लतिका शर्मा में लीडरशिप की क्वालिटी है या नहीं। विधानसभा कालका से लतिका शर्मा या शक्ति रानी शर्मा कौन डिजर्व करता है ये भी बताना होगा। फिलहाल अभी लोगों से राय मांगी जा रही है। वैसे यदि सूत्रों की माने तो पूर्व विधायक लतिका शर्मा आज़ाद उम्मीदवार चुनाव लड़ती हैं तो सीधे तौर पर नुकसान भाजपा को तो होगा ही, साथ ही लोग लतिका शर्मा को ज़्यादा पसंद करेंगे क्योंकि कालका हलके में पहले से ही बाहरी उम्मीदवार का विरोध भी तो हो रहा है। इसका सीधे तौर पर किसको अधिक नुकसान होगा ये कालका हलके की जनता को पता ही है। अब देखना ये होगा कि लतिका शर्मा पर कालका हलके में चल रहे सर्वे में लोगों की आखिर क्या क्या राय रहेगी, ये आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा। वैसे पूर्व विधायक लतिका शर्मा द्वारा बुलाई गई अमरावती एनक्लेव कॉलोनी की मीटिंग में भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। वहीं दूसरी ओर कालका और पिंजौर के लोग भाजपा प्रत्याशी द्वारा निकाले गए रोड शो को फ्लॉप भी बता रहे हैं। यदि कालका हलके से पूर्व विधायक लतिका शर्मा आज़ाद चुनाव लड़ती हैं तो इस बार कालका हलके के चुनाव काफ़ी दिलचस्प होने वाले हैं और पूरे हरियाणा की नज़रें भी कालका विधानसभा के चुनाव पर लगी रहेंगी। किसी ने 10 साल मेहनत की है और 10 साल के बाद जब उसके फल देने की बारी आती है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसे वो फल मिलेगा या नहीं। आज तक हमने सुना था कर्म करो पर फल की चिंता ना करो, फल एक दिन मिलेगा। लेकिन जैसे हमारे मैडम लतिका शर्मा जी के साथ हुआ है, कर्म भी किया, फल की चिंता भी नहीं की और उसके बावजूद फल भी नहीं मिला, तो ये तो हमारी कहावतें झूठी साबित होगी। आज हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे या जितनी हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग जितने भी हैं स्कूल में पढ़ाए हुए एक अध्यापक की बातों को ध्यान में रखते हैं, लेकिन आज ये सारी बातें झूठी निकल के आ गई हैं। यह मैसेज सिर्फ मैडम लतिका शर्मा जी के लिए या कालका के लिए नहीं आया है, ये पूरी पूरे हिंदुस्तान से लेकर पूरी दुनिया को एक मैसेज गया है कि कर्म करो फल की चिंता ना करो। लेकिन आज के बाद शायद हमारे बच्चे भी ये चीज ना सोचें।
शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद, लतिका शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा विधायक कैसा है? लतिका शर्मा, लतिका शर्मा, मेरे मेरे तीन मंजर बड़े।